हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंट्स में कि जब हम बनाते हैं एनपीओ के लिए अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, जब हम अपनी स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम चेक करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड क्या क्या लिखा हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट्स होती हैं, तो उनमें से कुछ रिसिप्ट्स होती हैं हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स और कुछ रिसिप्ट्स होती हैं हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि कैपिटल रिसिप्ट्स कौन कौन सी, आप जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको कैपिटल रिसिप्ट का पता होगा, तो रिवेन्यू रिसिप्ट अपने आप क्लासिफाई हो जाएंगी। बाकी हम कुछ एडजस्टमेंट आज की रिसिप्ट में वो चेक करते हैं। सबसे पहली बात कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, और रिवेन्यू रिसिप्ट हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में होती है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट हमारी वो रिसिप्ट होती हैं जो हमें बार बार होने वाली इनकम है, बार बार होने वाली जो हमारी रिसिप्ट हैं वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं। जैसे कि सब्सक्रिप्शन है, वो हमारे एक रिवेन्यू रिसिप्ट है, या हमें कोई रेंट रिसीव हुआ है तो वो भी एक रिवेन्यू रिसिप्ट है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की थी उस पर इंटरेस्ट मिला है तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, एंट्रेंस फ़ी है, कोई भी पार्टनर जब एडमिशन, कोई भी मेंबर जब एडमिशन लेता है, मेंबर बनने के लिए एडमिशन लेगा वो संस्था के अंदर, तो उसको फ़ी पे करनी पड़ती है, वो एंट्रेंस फ़ी हमारी एक रिवेन्यू रिसिप्ट है, या कोई न्यूज़पेपर हमने ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किए तो वो उससे जो इनकम हुई वो भी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो जितने भी डेबिट साइड को हम चेक करते हैं, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड को चेक करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी आइटम्स हमारी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है तो वो हमारी क्या होगी, रिवेन्यू रिसिप्ट होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि इन रिसिप्ट काम करते क्या हैं। जैसे कैपिटल रिसिप्ट को हम शो करते हैं अपनी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बट हम रिवेन्यू रिसिप्ट को शो करते हैं अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड, जो हमारी साइड होगी क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, उस तरफ हम शो करेंगे अपनी रिवेन्यू रिसिप्ट को। जो भी रिसिप्ट आएंगे हमारी, सब्सक्रिप्शन हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सारी रिसिप्ट हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाई जाएंगी। उसके बाद है कि कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ 5 से 6 एडजस्टमेंट है जो हमारी होती हैं इनकम में। जैसे जैसे हमें इनकम मिलती है, जैसे जो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है उनमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो हम देखेंगे उनमें से क्या एडजस्टमेंट होगी। तो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमारी सब्सक्रिप्शंस रिलेटेड हैं, टोटल 4 एडजस्टमेंट हैं ये। फर्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन एक रिवेन्यू रिसिप्ट है। उसके बाद एडजस्टमेंट हमारी फर्स्ट है कि जब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करंट ईयर। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दो मिलेंगे, एक तो एट द बिगनिंग और एक एट द एंड। हम अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर, कि अगर हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, मीन्स करंट ईयर चालू वर्ष के जब अंत में हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो कैसे ट्रीटमेंट होगी। सबसे पहला पॉइंट है कि उसकी ट्रीटमेंट दो तरीके से होगी। सबसे पहला तो हम करेंगे उसको, सब्सक्रिप्शन इनकम है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। वो तो हमें पता ही है कि जितने भी रिवेन्यू रिसिप्ट है उसको हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर के एंड का, तो उसको हम अपने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट में ऐड कर देंगे, एडिट टू द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे उस सब्सक्रिप्शन की अमाउंट में हम करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड कर देंगे। और दूसरी इसकी एडजस्टमेंट होगी, हम अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ करंट ईयर है। तो एट द एंड है मीन्स क्लोजिंग करंट ईयर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हुई जब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और एट द एंड ऑफ करंट ईयर है तो सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में ऐड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और दूसरी साइड वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड रिकॉर्ड होगा। सेकेंड एडजस्टमेंट है कि जब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है सेम वही बट एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर, बाकी तो पॉइंट सेम है हमारा, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है, एट द बिगनिंग। इससे पहले वाला एडजस्टमेंट थे जब एट द एंड है, तो जब हमारे करंट ईयर के बिगनिंग में कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी दो एडजस्टमेंट होगी सेम वैसे ही। फर्स्ट हमारा क्या होगा, जब एट द एंड है तो उसको हम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में ऐड करेंगे, बट जब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द बिगनिंग
तो उसको हम क्या करेंगे, डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया गया है उसकी क्रेडिट साइड जब हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं उस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में हम उसको माइनस कर देंगे अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बिगिनिंग का, करंट ईयर के बिगिनिंग का कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के ही रिसिप्ट और पेमेंट्स को और करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। तो करंट ईयर के एंड का है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो ऐड कर देंगे, करंट ईयर के बिगिनिंग का है तो माइनस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग बात चल रही है। दूसरी इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी कि देखो वो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, सीधी सी बात है वो कौन से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे, ओपनिंग एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट आ जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कोई बिगिनिंग का, करंट ईयर के बिगिनिंग का कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। दो एडजस्टमेंट हो गई। अब दो एडजस्टमेंट रहते हैं हमारी, ये तो हमने बात की जब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो, अब हम बात करेंगे अगर सब्सक्रिप्शन हमारा प्रिपेयर्ड हो या मीन्स रिसीव इन एडवांस हो तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसके बाद एडजस्टमेंट है हमारी जब सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हो गया, इसको हम प्रिपेयर्ड भी कह सकते हैं। तो इसमें भी वही दो पॉइंट है कि या तो हमें करंट ईयर के एंड में रिसीव होगा या हमें करंट ईयर के बिगिनिंग में रिसीव होगा। तो जब एंड में रिसीव होता है सबसे पहली बात ये है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करते हैं, तो जो करंट ईयर से होगा रिलेटेड वो तो हमारा आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होगा वो हमारा लेस हो जाएगा। जैसे इसमें बोला गया है कि सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला है करंट ईयर के एंड में मिला है, तो अभी करंट ईयर के एंड में मिला है मीन्स वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा क्योंकि अब का तो हो चुका। जब हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो करंट ईयर के एंड में, करंट ईयर के एंड में मिला है तो मतलब वो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, तो वो जब नेक्स्ट ईयर के लिए हमें मिला है तो वो हमारा इस ईयर से तो रिलेटेड है नहीं, मीन्स वो करंट ईयर की ट्रांजेक्शन नहीं है, करंट ईयर में हमें मिला है पर वो रिलेट करता है नेक्स्ट ईयर से। तो उसके हम कैसे एंट्री करेंगे, दो ट्रीटमेंट होगी। फर्स्ट होगी क्योंकि वो हमारा करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो इस वजह से उसको हम अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिखेंगे उसमें से हम क्या कर देंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हमारी करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नहीं है। तो अगर सब्सक्रिप्शन हमारा एडवांस में रिसीव होता है एंड में तो मतलब वो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसको माइनस कर देंगे। दूसरी बात, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो हमारी क्योंकि एंड है करंट ईयर का एंड है तो हमारी कौन सी बैलेंस शीट यूज होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड उसको रिकॉर्ड कर देंगे। अगर जैसे प्रीपेड सब्सक्रिप्शन तो होगा हमारा लायबिलिटी साइड, और अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड करेंगे अपने एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकेंड लास्ट हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, कि हमें ऐसा ही वही बात है कि अगर हमें वो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाए बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, जब हमें अपने करंट ईयर के बिगिनिंग में मिल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो करंट ईयर के बिगिनिंग में मिला है मतलब इसी साल के लिए मिला होगा क्योंकि करंट ईयर के बिगिनिंग में मीन्स किसी ने 1 अप्रैल को हमें सब्सक्रिप्शन दिया एडवांस में, तो मीन्स इसी ईयर के लिए दिया होगा तो वो हमारा इसी ईयर से रिलेट करता है क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन हमारा इस ईयर का है मीन्स करंट ईयर का है, तो हम उसको अपनी सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिड टू द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और सेकेंड हमारी क्या होगी इसकी ट्रीटमेंट, जिसको हम अपने लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट की, जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसकी लायबिलिटी साइड इसको हम रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्रिप्शन को, जब सब्सक्रिप्शन हमें बिगिनिंग में मिला होगा, जब सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला हो करंट ईयर का बिगिनिंग में तो हमारा वो करंट ईयर से रिलेट करता है, इस वजह से हम उसको अपने सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में ऐड कर देंगे। और दूसरी बात, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने लायबिलिटी साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। ये चार एडजस्टमेंट हमने किया सब्सक्रिप्शन की, और बाकी जो इनकम है रेंट की, रेंट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, जो भी हमारी एंट्रीज होती हैं इनकम की, जो रिवेन्यू रिसिप्ट भी हैं, तो वो सारी एंट्रीज सारी उन इनकम्स की भी सेम ट्रीटमेंट होगी जैसे हमारी सब्सक्रिप्शन की हुई है। अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में है तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में है तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
अगर आउटस्टैंडिंग हमारा एंड में है तो उसको हम ऐड कर देंगे। इसके रिवर्स चलेगा हमारा प्रीपेड, अगर प्रीपेड मीन्स बिगिनिंग में है तो ऐड कर देंगे, प्रीपेड हमारा एंड में है तो माइनस कर देंगे। सारी इनकम के एडजस्टमेंट ऐसे ही होगी। अब हम एग्जांपल करते हैं अच्छा सा सब्सक्रिप्शन का, ताकि हमें सारे एडजस्टमेंट्स कैसे हों क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल है हमारा सब्सक्रिप्शन ऑफ सेवारा क्लब फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2016। हमें 31 मार्च 2016 का सब्सक्रिप्शन दे रखा है। कुछ अदर इंफॉर्मेशंस भी हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 70,000 रुपीज़। हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है 15-16 में? 70,000 का, 70,000 का। तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन हमें मिला है यहाँ पे 70,000 रुपीज़ का। तो सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन। दूसरी बात, यहाँ पे सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ऑन 31st मार्च 2015। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा सेशन क्या होगा। हमारा सेशन है 31st मार्च 2016। तो मतलब डेट्स क्या निकल के आई, डेट हमारी निकल के आई 1 अप्रैल 2015 to 31st मार्च 2016। ये हमारा क्या रहा होगा डेट, ये सेशन रहा होगा हमारा, फाइनेंशियल ईयर है हमारा 15-16, उसके अंदर ये हमारी होगी 2015 to 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। अब बात है कि हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कब है, 31 मार्च 2015। तो देखो 31 मार्च 2015 को कोई आउटस्टैंडिंग है तो मींस 1 अप्रैल 2015 को वो क्या हो गया होगा, ओपनिंग बैलेंस बन गया होगा सब्सक्रिप्शन का, मींस वो क्या हो गया हमारा बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया है। तो करंट ईयर का, क्योंकि 15 हमारे ये करंट ईयर में आ जाएगा अभी उसके बाद, तो ये करंट ईयर क्या हो गया, ओपनिंग है मींस बिगिनिंग हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। तो जो हमारा करंट ईयर का बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन होता है आउटस्टैंडिंग, उसको हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा हमारा 31 मार्च 2015 का, क्योंकि हमारा 31 मार्च 2015 का तो लास्ट ईयर है और वो अभी के लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग हो जाएगा। ओपनिंग मीन्स वो करंट ईयर का बिगिनिंग बैलेंस हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और वो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन हम क्या करते हैं माइनस करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में से। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, ये हमारा है 17,000 रुपीज़ का, तो वो हम कर देंगे माइनस। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2015। हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है 2015 का, तो जो हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है तो कब मिला है 2015 को, तो 2015 वाला सब्सक्रिप्शन हमारा 2016 के लिए क्या हो जाएगा बिगिनिंग बैलेंस बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस बन गया मीन्स बिगिनिंग बैलेंस बन गया। तो हमारी लाइन क्या बनी कि हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, क्योंकि जो हमारा ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट ईयर का बिगिनिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो मीन्स ये हुआ कि हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है ऑन द बिगिनिंग ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। तो हमें अगर करंट ईयर के बिगिनिंग में कुछ एडवांस मिलता है सब्सक्रिप्शन, तो वो हमारा करंट ईयर के लिए मिला होगा। अगर हमें लास्ट ईयर में कुछ एडवांस मिलता है तो वो किसके लिए मिला होगा, करंट ईयर के लिए मिला होगा। करंट ईयर के लिए कुछ इनकम मिली है, सब्सक्रिप्शन मिला है, तो उसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन। और ये कितने का है हमारा सब्सक्रिप्शन, 3250 का, 3250 का है हमारा ये, तो इसको हम ऐड कर देंगे। क्योंकि पहली बात तो ये हमने देखा था कि सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हो और बिगिनिंग में मिला हो, व्हेन सब्सक्रिप्शन इज रिसीव इन एडवांस एंड एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, तो तब हम उस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को ऐड कर देते हैं क्योंकि वो हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है। फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2016, मतलब जो डेट हमें गिवन थी, जिस ईयर को, जिस डेट को हमारा ईयर एंड हुआ है
31 मार्च 2016 उसी डेट को हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ है। तो अगर उस डेट को हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है तो मीन्स वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा, और जो नेक्स्ट ईयर का लिए हमें सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो हमारा करंट ईयर के लिए नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो हमारा करंट ईयर के लिए नहीं है। कितना है वो? 4,670 रुपीज़। उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट है हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31, 2016। 31 मार्च 2016 को मींस लास्ट डेट को, क्लोजिंग डेट को हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि करंट ईयर के एंड में कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमारा ये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से रिलेट करता है और एट द एंड ऑफ करंट ईयर है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ये अमाउंट थी हमारी 11,250 रुपीज़ की, इसको हम ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल चार एडजस्टमेंट हैं। अगर सब्सक्रिप्शन हमें एट द एंड मिला है और आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे, अगर सब्सक्रिप्शन एंड में ही मिला है बट रिसीव इन एडवांस है तो मीन्स अगर एट द एंड ऑफ ईयर बिल्कुल लास्ट डेट को, क्लोजिंग डेट को हमें कुछ एडवांस मिल रहा है तो वो अब के लिए तो होगा नहीं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, तो उसको माइनस कर देंगे। अगर सब्सक्रिप्शन हमें आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग में ऑफ ईयर है तो मीन्स वो लास्ट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगा तो वो इस ईयर का नहीं है, तो उसको माइनस कर देंगे। अगर सब्सक्रिप्शन हमारा प्रिपेयर्ड है, रिसीव इन एडवांस है बिगिनिंग ऑफ ईयर में, मीन्स अगर हमें लास्ट डेट को कुछ ना कुछ एडवांस मिला होगा तो वो इस ईयर बिगिनिंग हो जाएगा, और जो बिगिनिंग है एडवांस में सब्सक्रिप्शन का उसको हम क्या करेंगे, अपनी सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में ऐड कर देंगे। तो ये हमने ऐड लेस किया, ये हमारी ओवरऑल अमाउंट निकल के आ गई 62,830 रुपीज़। तो ये अमाउंट हो गई हमारी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की। ये हमारी क्या है, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन है हमारा, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमने इसमें से सिर्फ करंट ईयर को ही रखा है, अगर लास्ट ईयर का कुछ है तो वो भी माइनस किया है और जो नेक्स्ट ईयर का उसका भी माइनस किया है, जो सिर्फ इसी ईयर का है उसी को हमने ऐड किया है। तो ये हमने एंट्री की अभी तक कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे जैसे ये एडजस्टमेंट है इसके हम बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आई होप अब सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले हमने एडजस्टमेंट्स किए, एग्जांपल किए, तो एग्जांपल से और चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो दो बैलेंस शीट बनेंगी हमारी, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम उनको रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा ओपनिंग है या फिर बिगिनिंग जो बैलेंस है। बिगिनिंग बैलेंस हमारे कौन कौन से हैं, एक तो है जब सब्सक्रिप्शन हमें आउटस्टैंडिंग है और 31 मार्च 2015 का है, मतलब 31 मार्च 2015 का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा वो करंट ईयर के लिए बिगिनिंग हो जाएगा, और जो बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी एसेट साइड, तो वो हमारा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि करंट ईयर के बिगिनिंग में अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। तो कितना है वो, 17,000 रुपीज़ का। और ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा एक सब्सक्रिप्शन जो प्रिपेयर्ड है, जैसे कि यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को कुछ एडवांस में मिला है, तो जो 31 मार्च 2015 में लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर की डेट पे जो मिला है लास्ट डेट को, वो हमारा करंट ईयर की ओपनिंग डेट मीन्स करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन हमारा फिलहाल क्लोजिंग बैलेंस शीट में था लास्ट ईयर की, और इस ईयर की वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, वो हमारा है 3,250। उसके बाद दो बैलेंस रह गए हमारे, एक तो है कि सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला है 31 मार्च 2016 को, तो जो एडवांस में रिसीव होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी लाइबिलिटी साइड, तो ये हमारा आ जाएगा रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमारा ये रिसीव इन एडवांस से प्रिपेयर है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी साइड।
सिर्फ फ़र्क है कि ओपनिंग क्लोजिंग, अगर ओपनिंग में है तो ओपनिंग रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग डेट को आया है तो क्लोजिंग में रिकॉर्ड करेंगे। वो हमारा है 44,670। और उसके बाद है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ ईयर, एंड में कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, तो हमारा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो हमारा है 11,250 रुपीज़ का, तो उसको मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे। बस आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड रिकॉर्ड होगा और प्रीपेड है तो वो रिकॉर्ड होगा हमारी लाइबिलिटी साइड। तो ये हमने आज कंप्लीट किया सब्सक्रिप्शन, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विद एग्जांपल डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ आपको मेल आईडी भी गिवन है, आप मेल भी कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लास्ट वीडियो आप चेक जरूर कीजिए, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं आप चेक करना, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो कि पेमेंट अकाउंट जो है हमारा है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, उसमें कैसे कैसे हम अमाउंट चेक करते हैं। तो आज डिस्कस किया हमने रिवेन्यू रिसिप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विद एग्जांपल डिस्कस किया है। कुछ डाउट आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।